सम्मुख में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहां तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो, बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे, तो समय पर कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर, शिव और नारायण का नाम लेकर, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प, एक लाल पुष्प, दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती, वो कांता चक्र है जो नारायण। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है। अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृ दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी, कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं, उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, वो हमको नहीं मालूम। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृ दोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे, तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे, मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी। शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिक का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता, नीचे की ओर गिरता। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिक के, बीच में अशोक सुंदरी, ये क्या है, पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है, वो शंकर जी की पांच लड़कियां जया, विषहरा, सामलीवारी, दौतली और देव, शंकर जी की पांच लड़कियों, एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा रहा। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ, ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा, तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है, ये हमारे तीन दोषों को निवारण तुरंत कर देता है, एक हमारा पितृ दोष, एक हमारा काल सर्प दोष और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये तीन दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा, शिव अंक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल तीन दोष का बता रहे हैं, पर हमारे शास्त्र तो यहां पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है, दुनिया के जितने दोष पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उतनी परिधि, उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, तो ये जितने दुनिया के दोष है वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर बोलबम का नारा है, और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो, तो बहुत स्मरण रखिएगा। शिवलिंग जलाधारी, जलाधारी में से पानी बहता है नीचे की ओर जाता है, जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है, जितनी भी मोटी हो उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते, उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा, कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको
तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है बस उस स्थान पर एक बिंदु। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृ दोष हो गया, कि काल खंड दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, पितृ दोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा। आपके घर में पितृ दोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, मान लो अपन अमावस्या पड़ी, आप एक अंदाजा लगाइए, तो दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रख कर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं, अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृ दोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती। मान लो अगर पितृ दोष है तो करो, नहीं है बड़े अलमस्ती से रहो, तो ये पितृ दोष का स्मरण। तो यहां शास्त्र कह रहे कि पितरों का जो लोक होता है, पितर जो लोक होता है, उस पितृ लोक में 64 योगिनियां प्रवेश नहीं करती। जैसे सोमती अमावस्या, कौन सी अमावस्या, सोमती अमावस्या, सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो, या तुलसी की परिक्रमा करो, या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो, तो सोमती अमावस्या का विधान। इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमती कहलाती है महाराज। तो कहा उस दिन सारे जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह, सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं, और भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं तो उस दिन जो किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म है वो हमारे, आप लोगों को मालूम होगा पितरों की तीन गतियां, पितर, आहुत, वासु, कितने, तीन। गर्भ में जो चले गया आहुत है, कुमारी अवस्था में गया जिसकी शादी नहीं हुई आहुत, पितर, अधोगति में अचानक बहुत सारी तमन्ना थी, बहुत कुछ करना चाहता था और अचानक चले गया, मर गया, पितर गिनती में। वासु जो एक्सीडेंट आदि, खांसी, सुसाइड, वासु, तीन। शास्त्र कहता है सोमती अमावस्या के दिन ये तीनों आहुत, पितर, वासुक, जहां पर घर की कुल की माता पीपल की परिक्रमा करती है, या तुलसी की परिक्रमा करती है, या पूजन करती है, या दान करती है सोमती अमावस्या के दिन, तो ये तीनों को उसका भाग प्राप्त हो जाता है, तीनों तर जाते हैं, फिर उनको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उनको तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोमती अमावस्या का क्रम हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा वर्णन किया। एक बेल का फल लीजिए, क्या लेना है, बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए, और उस
बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको के अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिस जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृ दोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सबदूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे का खड्डा खोदकर उस बेल पत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं।